हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल दावत रसोई में। आज हम बना रहे हैं चना बटाटा, जो बहुत ही फेमस है, नल बाज़ार भेंडी बाज़ार का फेमस डिश है। आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। ये देखिए, हमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। मैंने चने लिए हैं 250 ग्राम, उन्हें मैंने ओवरनाइट भिगोया था। अभी मैंने उसको सुबह मैंने बॉईल करके नमक डाल के देखिए पका के लिया अच्छे से। ये देखिए कैसे अच्छे से पक गए हैं। और ये मैंने पुदीना लिया है, चॉप किया हुआ पुदीना है। ये धनिया है चॉप किया हुआ, 2 टीस्पून अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट लिया है मैंने। मीडियम साइज़ का मैंने एक टमाटर लिया है चॉप करके। और ये तली हुई प्याज ली है मैंने, एक बड़े प्याज की मैंने प्याज की है, ये की है, ये देखिए बिरिस्ता किया है वो लिया है मैंने। और 2 टीस्पून भर के मैंने बेसन लिया है, चने का आटा, उसको मैंने रोस्ट किया हुआ है, भून के लिया है इस तरह से। और ये मैंने वो टेबल स्पून भर के एक धनिया लिया है, ये देखिए। और जो तली हुई प्याज है मैंने हाथ से उसे ऐसे चूरा कर लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड किया है, ये देखिए। अब मैं हमारे चनों को ऐड करूँगी पानी के साथ। ज़्यादा भुनना नहीं है मसाले को, मसाले का टेस्ट चेंज हो जाएगा, मसाले जल जाएंगे, इसलिए मैंने चने ऐड किए हैं, ये देखिए। ये देखिए आलू भी जो हमने रखे थे वो भी मैं इसमें ऐड करूंगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए। मैं इसे अब 5 मिनट पका दूंगी ऐसे ही ढक के लो फ्लेम पे। पहले इसे हम बॉईल आने देते हैं ताकि हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए चनों में। और इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। ये देखिए पानी भी डाल दिया है मैंने। अब एक बॉईल आ गया कि हम इसको धीमी लो फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद हम बेसन लगाएंगे उसको, जो चने का आटा रखा है हमने। ये देखिए मैंने चने के आटे को पानी का घोल लगा के इसका पेस्ट बना के मैंने ऐड किया है। चने का आटा डायरेक्ट हमें नहीं डालना है, ये देखिए इस तरह से। और हमें ऐसे हिलाना है, उसको छोड़ना नहीं है। ये देखिए कैसे अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें पुदीना और हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे, ये देखिए। और मैंने नमक नहीं डाला है अभी तक, क्योंकि मैंने चने बॉईल करते वक्त नमक डाला था चनों में, इसके लिए मैंने नहीं डाला था। अब मैं उसको टेस्ट करके उसमें नमक ऐड करूँगी। ये देखिए 1/2 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है इसमें। अब हम इन्हें चने का आटा लगाया है, इसलिए मैं इसे 5 मिनट और पकाऊंगी, उसके बाद हमारा चना बटाटा रेडी हो जाएगा। मैं इसे लो फ्लेम पर इसी तरह पकाते रखूँगी। 1/2 टीस्पून नमक मैंने इसमें ऐड कर लिया है, टेस्ट करके देखा है, उसके बाद मैंने 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है। चने का आटा लगाया इसलिए मैं इसे ऐसे ही 5 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। देखिए चना बटाटा मैंने सर्व कर लिया है, इस पर खट्टा पानी ऐड किया है इसमें, ऊपर से डाल कर लिया है। जैसे बम्बई में भेंडी बाज़ार नल बाज़ार में मिलता है, उसी तरह अगर हम वहाँ पे खाते हैं तो ऊपर से डाल के देते हैं, जैसे हमें लगता है ज़रूरत के हिसाब से। उस तरह मैंने अभी मैं ऐड नहीं, अंदर पकते वक्त नहीं डाला है, ऊपर से मैंने अभी सर्व करते वक्त डाला है। और हरा धनिया और तली हुई प्याज डाल के मैंने सर्व कर लिया है। आपको ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करना। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में ऐसी एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।